लेकर चले संजय कुमरे अपनी टीम के लिए और आसानी से एक और पॉइंट का यहां पर और बोनस बोनस नहीं क्या ओनली टू पॉइंट दो पॉइंट के साथ सुरक्षित लौटे और सुरक्षित वापस और अच्छी रीड लवकेस के द्वारा और बहुत ही अच्छा यहां पे स्किप और इसी के साथ एक और अंक का नुकसान जिला कबड्डी संघ बैतूल को और ये रोहित के द्वारा रेड देखना है 01 नंबर की जर्सी पहने पहने हुए फिलहाल और नंबर के अनुसार काम करते या नहीं देखने को मिलेगा बहुत जल्द और अब 6 डिफेंडरों के साथ अभी भी यहां पे बोनस अवेलेबल है और जरूर निश्चित अटेम्प्ट करेंगे ये बोनस का क्योंकि ये 04 अच्छी रीड करते हैं और लगभग 5 मिनट का समय शेष अभी भी बाकी और एक और अंक का यहां पे नुकसान शाहपुर टीम को इसी के साथ एक और पॉइंट का और नुकसान और लगातार जिला कबड्डी संघ ने अपनी विपक्षी टीम पर दबदबा बनाए रखा है और लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहां पर डुबकी लगाना चाहते थे और इसी के साथ रेडर जाएंगे बाहर और स्कोर जा पहुंचा दी और ऑलआउट होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा 10-1 10 पॉइंट से फिलहाल यहां पर और बहुत ही अच्छे यहां पे बोनस का अटेम्प्ट तो जरूर हुआ है और निश्चित यहां पे बोनस मिलेगा लवकेश बोनस पॉइंट अभी का बोनस पॉइंट और स्कोर है 2-11 और पुनः संजय कुमरे के द्वारा रेड अच्छी रेड करते हैं ये भी और पुनः आसानी से यहां पे बोनस का प्रयास किया गया था और निश्चित यहां पे बोनस मिलेगा और स्कोर जा पहुंचा 12-2 और 1 पॉइंट शाहपुर बोनस प्लस पॉइंट 2 पॉइंट का और जाता होता हुआ बैतूल के लिए
और लगभग एक मिनट 45 सेकंड का समय शेष, हाफ टाइम के लिए एक मिनट 45 सेकंड का समय शेष अभी भी बाकी। और ये पहली बार रेड करने का मौका मिला है विशाल, जैसा नाम वैसे काम करते हैं या नहीं ये तो देखने को। लेकिन सुरक्षित वापस बोनस पॉइंट मिलता हुआ यहां पर शाहपुर को। और अब लगभग एक मिनट का समय शेष हाफ टाइम के लिए। बहुत ही अच्छा डिफेंस, सारे डिफेंडर टूट पड़े विपक्ष के रेडर के ऊपर। और इसी के साथ दो पॉइंट का और नुकसान। और लगभग 20 सेकंड का समय शेष। और हाफ टाइम का ये अंतिम रेड शॉर्ट टाइम के बाद पहले रेड लेकर चले यहां पर 0-4 बैतुल के पाले में दिख रहा है, बॉल से अवेलेबल नहीं है यहां पर, कितना डीप जा सकते हैं और किसी डिफेंडर को टच करके आएंगे या नहीं। और निश्चित ही यहां पर बहुत ही अच्छा यहां पर, लेकिन बहुत अच्छा एंकल होल्ड और इसी के साथ रेड हो जाएंगे बाहर। और स्कोर चाह पहुंचा 17-7। और इसी के साथ एक और अंक का इजाफा होता हुआ बैतूल टीम के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं भैया, सेमीफाइनल के जैसा मैच होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं या तो समय। भाई दर्शकों को मजा नहीं आ रहा, या तो आप मैच खेलो या तो फिर तो मैच रोक लो यहीं पे, ऐसा लग रहा है कि आपका मैच फिक्सिंग हो चुका है। पब्लिक को पब्लिक को बेवकूफ ना बनाओ, यहाँ पर मैच खेलो, आप आनंद लो, आनंद के साथ मैच का आनंद लो और पब्लिक को मजा आना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और सेमीफाइनल को इस तरह खेलोगे तो फिर दर्शकों का क्या होगा, दर्शक मैच देखने के लिए आए हैं। और जिला संघ की जो टीम है वो आगे है। पब्लिक को मजा आना चाहिए भैया, ऐसा मैच खेला, मैच दिखाओ आप। और बहुत ही अच्छा यहां पर, अच्छा डिफेंस के साथ यहां पर। भैया ऐसा लग रहा मैच फिक्सिंग हो चुका है, हमको तो निश्चित समझ में आ रहा है यहां पर। इतना आसानी से जिले की टॉप की टीम इतना आसानी से पॉइंट नहीं दे सकते हैं। और ये बोनस प्लस पॉइंट के साथ सुरक्षित वापस।
और मैच को मैच की तरह खेले भाई। और लगभग 4 मिनट का समय शेष है और यहां पर रेड की कमान लेकर चले हैं। लोकेश कुमरे के द्वारा रेड, देखना है क्या कुछ होता है इस रेड में। और सुपर टकल का मौका है यहां पर, देखना है। और अलाउड देने का बहुत ही अच्छा मौका है यहां पर। जिला कबड्डी संघ बैतूल टीम को अलाउड देने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, देखना है क्या कुछ होता है यहां पर। और यदि अलाउड देंगे तो निश्चित ही और समय बढ़ेंगे, लेकिन 2 पॉइंट के साथ और सुरक्षित वापस। अब पुनः 4 डिफेंडरों के साथ खेलते हुए और अभी तक हाफ टाइम के बाद एक भी डिफेंस नहीं हुआ बैतूल की टीम से, क्योंकि बैतूल वाले ये देखो पता है, ये पता है हमको कि क्या हो रहा है। एक पॉइंट से जीत दे दो यार और हमको फाइनल करने दो। समय कितना बचा है? सुपर टकल 2 पॉइंट, शट और इसके साथ सुरक्षित वापस। अब देखना है कितने पॉइंट लेकर जाते हैं या डिफेंस हो पाते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला यहां पर और ये राहत फिर से यहां पे एक और डिफेंडर को टच करते हुए सुरक्षित वापस। और 0-4 के द्वारा पहली रीड, पहली बार रीड करने का मौका और इसके साथ सुरक्षित वापस एक डिफेंडर को। पॉइंट के साथ सुरक्षित वापस। यही लास्ट ट्रेड और समय समाप्त। पॉइंट पे आ गए बस, लेकिन